फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब लोग आप अच्छे से होंगे। टुडे इज द डे ऑफ गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ द पजल व्हिच आई हैव ऑलरेडी आस्क यू, राइट। तो सॉल्यूशन पे आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पजल क्या था। तो दोस्तों, पजल ये था कि देयर आर 50 सोल्जर्स जिसको मिस्टर ए ने बंदी बना लिया है और उनको एक रूम में रख दिया है सबको, और उसने कंडीशन बताई है कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो अगर मैं कल सुबह तो मैं सबको लाइन में खड़ा करूंगा ऐसे, पीछे वाला बंदा आगे वाले को देख सकता है, और सबके सर पे एक कैप रखूंगा, राइट। कैप का कलर इज दो कलर की कैप है, एक ब्लू और एक रेड, तो दोनों में से कोई एक कलर की कैप होगी सब एक एक के सर पे, राइट। अगर उस बंदे ने सही बता दिया कि उसके सर पे कौन सी कलर की कैप है तो ही इज गोइंग टू लिव, अदरवाइज ही विल डाई, उनको ये मार देंगे, राइट। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, बनाने की कि 49 पीपल को आपको बचाना था, 49 सोल्जर्स को आप बचा लो, तो आप इन्हीं सोल्जर्स में से कोई एक को आप 49 सोल्जर को बचाना चाहते हो, और एक सोल्जर की जो डेथ प्रोबेबिलिटी होगी या लिविंग प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 50%, ताकि वो बच भी सकता है, एक मर भी सकता है सोल्जर, बट 49 को तो बचाना ही बचाना है। तो व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, इस पजल को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन है, हम सारी कंडीशन को ध्यान रखते हुए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि जो इनको पता है कि जो इनको इन बंदों को लाइन में खड़ा करना होगा, राइट। तो अगर हम 50 सोल्जर्स ना देख के अगर हम 5 सोल्जर्स देखते हैं, और इसको सपोज ब्लू कैप पहनाई जा रही है, इसको रेड, इसको ब्लू, इसको रेड, सपोज ऐसे कैप्स पहना दी गई, क्योंकि यहाँ पर इवन है तो लेट मी टेक इट 6, अगर 6 लोग हैं क्योंकि इवन नंबर था, इवन देख लेते हैं, ये सपोज हो गया कुछ भी, इसको भी आर दे देते हैं, राइट। तो स्ट्रेटेजी इनकी ऐसी होगी कि जो सबसे पीछे खड़ा है, सपोज ये सबसे आगे वाला बंदा है क्योंकि फेसिंग दिस वे है, राइट, ये आगे वाला बंदा है, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स, तो सबसे वाला पीछे वाला जो बंदा है वो सबकी कैप देख सकता है कि सबकी कैप कौन से कलर की है। तो ये अगर देखेगा तो इसको बाकी 5 बंदों की कैप्स दिखेंगी, राइट, ही कैन सी द कैप्स फॉर 5 पीपल, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको पता है, इसको बता रहे, अगर ये शाउट, अगर तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर सबसे पीछे बंदे की नजर में इवन नंबर की कैप आती है, इवन नंबर की कैप आती है तो ही इज गोइंग टू शाउट रेड, और अगर ऑड नंबर की कैप आती है, मींस अगर जो रेड कलर अगर इवन है तो ही इज गोइंग टू शाउट रेड, अगर रेड कलर ऑड है उसके सामने ही इज गोइंग टू शाउट ब्लू। दिस इज द स्ट्रेटेजी दे मेक। अब देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं एक बार सैंपल में। वी हैव टेकन द सैंपल, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सैंपल्स बना लो, तो दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। तो अगर आप ये अगर देखेगा, ये बंदा सामने देखेगा तो इसको एक ब्लू, दो ब्लू दिखेंगे और 3 रेड दिखेंगे, राइट। तो ही इज गोइंग टू शाउट क्योंकि 3 रेड दिख रहे हैं, और इवन तो रेड दिख रहे हैं, रेड ऑड है, 3 रेड दिख रहे हैं इसको, T3 इज ऑड, ही इज गोइंग टू शाउट ब्लू, ही विल शाउट ब्लू, बट इसके सर पे रेड कैप है तो ही इज गोइंग टू डाई। नाउ दीज ऑल रिमेनिंग 5 पीपल नोस कि जो इन सबके कैप है, सर पे जो कैप है वो रेड जो है वो ऑड है, मींस रेड नंबर जो होगा ऑड होगा। नाउ इफ ही सीज, अगर ये देखेगा, दूसरा बंदा देखेगा, इसको भी रेड कितने दिख रहे हैं, ऑड दिख रहे हैं, रेड ऑड नंबर दिख रहे हैं, यानी 3 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब उसको पता है कि अगर इसके सर पे भी ऑड होता, सॉरी रेड होता, तो इसको पीछे वाले को 4 रेड दिख रहे होते हैं, दैट वुड बी इवन, बट इसको ऑड नंबर ऑफ रेड्स दिखे थे, इसको भी ऑड नंबर ऑफ रेड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब इसके सर पे ब्लू है, ही विल से ब्लू, ही विल लिव। इसका देखते हैं,
ये इसको रेड कितने दिख रहे होंगे, एक और दो रेड दिख रहे होंगे, इसको ऑड नंबर ऑफ रेड दिख रहे हैं राइट। अगर इसको ऑड नंबर ऑफ रेड दिख रहे हैं इसका मतलब इसके ऊपर सरके पे रेड जो है रेड गैप है, ही इज गोइंग टू शाउट राइट, ही विल लिव। फिर इसकी बारी आती है क्योंकि इसके सर पे रेड था, इसको पता लग गया, उसने रेड बोला और पहले वाले ने ऑड बोला था, इसका मतलब आप इवन बचेंगे राइट। इसको एक रेड दिख रहा होगा लेकिन इसको पता है कि रेड जो बचेंगे वो इवन बचेंगे, इसीलिए इसको पता लग गया कि इसके सर पे भी रेड कैप है राइट। फिर बारी है इसकी, इसको पता है लग गया कि जो सामने इसके आगे जो नंबर ऑफ रेड्स हैं वो ऑड है, ऑड नंबर है क्योंकि अभी इवन था, अब ऑड हो जाएगा, ये बच गया इसलिए रेड शॉट किया था। He will say, इसको पता लग जाएगा कि इसमें रेड नहीं है इसके सर पे ब्लू है, he will survive. Then, last में इसको पता है कि अगर इसके में ब्लू था तो इसके में रेड होगा इसके सर पे, क्योंकि इससे पहले इवन और नंबर ही बचे राइट, रेड शाउट राइट, ऑल विल सर्वाइव एक्सेप्ट दिस गाय। तो बाकी सारे सर्वाइव कर जाएंगे बट जो लास्ट बंदा है उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की या जिंदा रहने की आउट से 50-50% है। अगर इसके सपोज इवन होते और इसके सर पर रेड होता तो ये भी बच जाता। होप दिस इज क्लियर टू यू। यू कैन जस्ट रीवॉच दिस वीडियो फॉर द सॉल्यूशन, फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्लेरिफिकेशन, एनी मोर इनपुट्स यू कैन जस्ट राइट मी टू numbaracharya@gmail.com। यू कैन ऑल्सो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर फन, मोर लर्निंग, मोर वीडियोज। So guys, keep learning, keep practicing. The more you practice, the more you learn. Yeah. Thank you so much. फिर मिलते हैं next video में next tricks के साथ. Bye. Take care.